ट बेसिकली ये डिजायर आ कहाँ से रहा है आपके अंदर कि मुझे अपना कुछ करना है आई वॉन्ट टू बी माई ओन बॉस आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस क्या ये डिज़ायर आ रहा है यहाँ से कि मेरे पास में बहुत सारा पैसा आ जाएगा बिजनेस करके या फिर मुझे भी उसकी तरह मिलेर बनना है बिलेनियर बनना है हाँ, और मेरा भी वैसा लाइफ हाँ, स्टाइल होगा स्टाइल, हाँ, हाँ, मेरे पास भी बढ़िया से बढ़िया गाड़ी होगी बढ़िया से बढ़िया घर होगा आजकल तो सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी लाइफ स्टाइल को बढ़ा चढ़ा करके दिखा रहा है जितना वो है उससे दस गुना ज्यादा सौ गुना ज़्यादा करके दिखा रहा है चाहे अंदर से खोखला है बाहर से ऐसे दिखा रहा है जैसे पता नहीं मैं क्या हूँ राइट राइट तो अब बेसिकली क्या हो रहा है क्या ये डिज़ायर यहाँ से आ रहा है कि मेरे को भी वैसा लाइफ चाहिए क्योंकि फिर तो आप फंस जाओगे क्योंकि आपने गोली गलत बना लिया क्योंकि वैसा लाइफ आपको मिले या ना मिले उसकी कोई श्योरिटी नहीं है राइट ये भी हो सकता है कि जो आपका एग्जिस्टिंग लाइफस्टाइल है वो भी पूरा कोलैप्स कर जाए बिजनेस करने के चक्कर में राइट अगर फॉर एग्जाम्पल ये डिजायर यहाँ से आ रहा है कि मेरी जो कंपनी है वहाँ का जो एनवायरमेंट है वो बहुत ही सफोकेटिंग है या टॉक्सिक है यहां से आ रहा है तब भी बिजनेस मत करो क्या करो कंपनी चेंज, कर चेंज कर दो कंपनी चेंज कर दो जॉब चेंज कर दो जरूरी थोड़ी है कि हर कंपनी का एनवायरमेंट खराब होता है या हर जगह पे बॉस खराब ही होगा अच्छे भी होते हैं टीम्स अच्छी भी होती है वर्क एनवायरमेंट अच्छा भी होता है तो अपने वर्क एनवायरमेंट को चेंज करो ना

जितना काम दिया है उतना ही करना है ना उससे ज्यादा ना उससे कम तो आप जॉब एनवायरमेंट में सही चलोगे तो अगर तो आपको ये सही लग रहा है तो ठीक है अच्छा आप कहते हो लाइफ बोरिंग हो गई है तो उसको इंटरेस्टिंग बनाने के भी बहुत तरीके हैं हाँ, सर लाइक यू कैन फॉलो योर हॉबीज या आप हॉबीज कर लो या फिर सुबह कोई स्पोर्ट्स खेल लो शाम को जिम ज्वाइन कर लो हो गया लाइफ में इंटरेस्टिंग हो गया कुछ वीकेंड पे पार्टीज वार्टीज कर लो लेकिन कई बार होता है अभी आपने एक वर्ड बोला आई एम मेड फॉर दिस

उसके बाद में जो तेरे सपने हैं वो सारे सच हो जाएंगे देख मेरे सपने सच हुए ना तेरे भी हो जाएंगे राइट right. तो आपके होना हो उनके तो पक्का हो जाएंगे <laughs> एक बात को अच्छे से ध्यान रखना yes लाइफ में ना इस बात को बारीकी से समझने की कोशिश करना कि लाइफ में कोई ऐसा इंसान जिसके अंदर कुछ भी डिजायर है किसी भी तरह का वो आपको हमेशा यूज करेगा अपने उस डिज़ायर को पूरा करने के लिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये जो सेशन कर रहा हूँ इसके पीछे कोई मेरे कोर्सेज चल रहे हैं

समझ गए तो मैं वो कभी भी नहीं चाहूंगा मैं क्या चाहूंगा आप मेरे कस्टमर बन जाओ तो मैं आपको यूज करूंगा आपके ड्रीम्स को यूज करूंगा आपकी ग्रीड को यूज करूंगा आपको फंसाने के लिए और अपने आपसे पैसा करने लिए। करने के लिए। मेरे पैसे आ गए मेरे पास में आपका क्या होता है क्या नहीं होता दैट्स ऑफ माय बिजनेस तो आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी शॉर्टकट में या कहीं ना कहीं किसी ना किसी ट्रैप में फंस जाओगे फॉर एग्जाम्पल स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग बुरी तरह से फंसते हैं क्यों फंसते हैं क्योंकि डीप में तो जाते नहीं है

और ये दस लाख रुपए बीस लाख रुपए हो जाए एक साल के अंदर अंदर प्लस हमें जो आप बोल रहे हैं उनको हमारे ही ग्रीड में फंसाने के लिए कुछ लोग भी मिल जाते है। जैसे कि यार हमको ये सब समझ में आता नहीं है कि आपकी जो भी ग्रीड है यूज करने वाले लाखों लोग बैठे हैं उनमें आपस में कॉम्पिटिशन है कहा कि मुझे ये चाहिए मुझे इतना पैसा मेरे पास में है और इतना चाहिए उनको ये नहीं चाहिए कि आपको वो दस लाख एक करोड़ हो जाए उनको क्या चाहिए आपका दस लाख आपका लाग। दस लाख <laughs> समझ गए <गये>। फॉर <और> एग्जाम्पल <laughs> आपकी औकात है पचास हजार रुपए की right. तो उनको आपका पचास हजार रुपए चाहिए किसी भी तरीके से वो पचास हजार आपके पास कैसे आ रहा है कहां से आ रहा है उनको इससे कोई मतलब नहीं है तो पहले तो ये बात को अच्छे से समझ लो कि ग्रीड आदमी को कैसे फंसाती है दूसरा बोडम की वजह से अगर हम बिजनेस कर रहे हैं कि बड़ा बोरिंग हो गई है लाइफ चलो ना बिजनेस तो बिज़नेस में भी बोर हो जाएंगे देखने में लगता है, बहुत है। सब कुछ टाइम तो भी बोरिंग हो जाता है आप एक जगह से निकलोगे दूसरी जगह जाकर के फंस जाओगे बट अगर ये डिजायर आ रहा है आपके अंदर बिजनेस करने का बिकॉज यू फील डीप विद इन दिस इज वॉट आई रियली वॉन्ट टू डू मुझे तो कम वॉट में करना ही है ये क्या करना है? वो काम, वो काम से काम जो. करना है वो काम क्या है या करी थी पास्ट में और उसका आपने बहुत ढूंढा लेकिन कहीं कोई सोल्यूशन नहीं मिला अब आपके अंदर से आ रहा है कि यार ये प्रॉब्लम मेरे को है और मेरे जैसे और पता नहीं कितने लोगों को है लेकिन इसका तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है मार्केट में लेट मी कम आउट विद द अगर आपका माइंडसेट ये है कि ये प्रॉब्लम है और मुझे इसको सॉल्व करना है अब चाहे सॉल्व करके मुझे उससे पैसा कमाना है उसमें कोई बुराई नहीं है अब भाई आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो पैसा तो कमाओगे ना राइट दैट शुड बी प्रोसेस कि आपको कोई गैप नजर आ रहा है एंड यूर पैशनेट अबाउट फिलिंग दैट दैट गैप गैप थ्रू योर स्किल थ्रू योर नॉलेज थ्रू योर एक्सपीरियंस थ्रू योर अंडरस्टैंडिंग तब ठीक है बिजनेस आपके लिए फिर अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो मेरा एक सेशन है

सर उस केस में जो उस माइंडसेट उस थॉट में कोई पहुंच जाए और एक होता है कि लाइफ में ना मजा नहीं आ रहा या इट्स लाइक एक बहुत वो कंटिन्यूस एक पैटर्न बन गया लाइफ काट जैसे लाइफ कि हाँ जो मिल रहा था वो हो गया था इट्स like kind of ऐसा दो सिचुएशन में होता है एक तब जब हमारे साथ में कोई बहुत बड़ी ट्रैजडी हो जाती है right. कोई लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है तब लाइफ मीनिंगलेस लगने लग जाती है एकदम से कि मतलब हमने बहुत एफर्ट किया किसी चीज़ को पाने के लिए और कई साल लगा दिए वो चीज़ नहीं मिली तो एकदम से लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया है right. हमारा सपना टूट गया है या किसी पर्सन के साथ में हम रिलेशनशिप में थे एकदम से वो पर्सन किसी और के साथ में कमिटेड हो गया या हो गई वॉटर उसने छोड़ दिया या किसी की डेथ हो गई या कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई एक तो हो गया इवेंट रिलेटेड yes, एक होता है कि लाइफ में कुछ एक्सट्रीम नहीं हुआ है यानी एक्सट्रीम में कुछ बुरा नहीं हुआ है बट लाइफ ठीक ठाक चल रही है पर ऐसे ही हमको वो लग रहा है कि बड़ा बट लाइफ, लाइफ बड़ी बोरिंग हो गई. हाँ. हो गई गया सब कुछ हाँ, yes, sir. एक रूटीन है वो चलता चला जा रहा है और सब कुछ बहुत बोरिंग हो गया है सब कुछ बहुत ही मीनिंगलेस हो गया है तो ये दो अलग अलग सिचुएशन है तो एक तो है जो अगर मैं पहला वाला टच करूँ कि भाई आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है तो उस वक्त हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालो कुछ सिचुएशन ऐसी भी आ सकती हैं जहां पे कोई सोल्यूशन ही ना हो राइट फॉर एग्जाम्पल किसी की डेथ हो गई है तो अब वहां पर कोई सोल्यूशन नहीं है कोई ऐसा इंसान जिससे आपको बहुत ज्यादा प्यार था और उसकी डेथ हो गई है अब क्या करोगे सोल्यूशन बट right. ऐसा हमको ऊपर ऊपर लेवल से देखने में लगेगा कि कोई सोल्यूशन नहीं है डीपली अगर आप जाओगे तो सोल्यूशन उसका भी है यानी क्या आप डेथ को समझो डेथ क्या होती है डेथ किसकी होती है सेम फॉर गोज डिस ऑल्सो की जैसे किसी को कोई डिसीज तो बी हो गई है तो वो बीमारी क्या है तो वहां पे दो चीज़ें काम आएंगी या तो उस प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन निकालना है जैसे ब्रेकअप हो गया है तो उसका सोल्यूशन क्या है मूव ऑन या फिर आ, कोई बीमारी हो गई है अब वो बीमारी कैसी है क्या वो कोई क्रोनिक डिजीज है या कोई फैटल डिजीज है जिसका कि कोई इलाज नहीं है या फिर कोई लाइफ रिलेटेड इशूज़ हैं यानी बैठे हुए हैं बैठे हुए हैं बैठे हुए हैं जिसकी वजह से बैक में प्रॉब्लम आ गई यहाँ आ गई वहां आ गई फिर एक एक करके सारी चीजें रिलेट होती चली जाती हैं शुरुआत होती है नेक पेन से फिर बैक पेन आ गया फिर वेट भी बढ़ने लग गया फिर ये हो गया वो गया ये सब किससे रिलेटेड है और डाइट भी life लाइफ चली चली स्टाइल से रिलेटेड है तो अपने लाइफ को ठीक करो तो ये प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन है तो सोल्यूशन निकालो तो उस वक्त आपकी लाइफ का पर्पस क्या है लाइफ को मीनिंग क्या देगा कि ये प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन का यही आपकी लाइफ का पर्पस होना चाहिए उस पॉइंट पे राइट के भी आपकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है किसी में हेल्थ है किसी में जो भी इशू है एनीथिंग उसका सोल्यूशन निकालो राइट right. फटाफट फड़ से मतलब चारों तरफ से उस प्रॉब्लम के ऊपर अटैक कर दो इमीडिएट एक्शन में आ जाओ बैठ बैठ करके सोचना नहीं है रोना नहीं है उससे कुछ नहीं होने वाला राइट right. अपनी लाइफ को चेंज करो उसको चेंज नहीं कर सकते तो जो भी आप कर रहे हो उसी में चेंजेस लेकर के आ जाओ फॉर एक्साम्पल आठ दस घंटे तक आप नॉन स्टॉप कंप्यूटर पर बैठे रहते हो जिसकी वजह से वो सारी प्रॉब्लम हो रही है तो हर आधा आधा घंटे में एक ब्रेक लेने ब्रेक लग जाओ एक एक दो दो मिनट का खड़े होकर के हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग कर लो सुबह और शाम कुछ एक्सरसाइज करनी शुरू कर दो मसल की ट्रेनिंग करो ये करो वो करो स्ट्रेचिंग करो जो भी उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन है उस पर अपना ध्यान ले आओ तो लाइफ को मीनिंग देगा उस वक्त लाइफ का पर्पज क्या है कि फाइंडिंग द सोल्यून ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम डोंट बी पर्टिकोंड इन टू दैट स्टेट जो आप कह रहे हो ना स्टक हो गए स्टक हम पे जाकर के हो जाते हैं अरे अब तो कुछ हो ही नहीं सकता क्यों नहीं हो सकता यू मस्ट हैव दैट काइंड ऑफ माइंडसेट सब कुछ हो सकता है मेरे से भी बुरी बुरी सिचुएशन में लोग थे और वो बाहर निकले हैं तो मैं भी निकल सकता हूँ बट मान लो आपको कुछ कोई ऐसी बीमारी हो गई मान लो कैंसर है जो थर्ड स्टेज पे है मान लो उस आदमी को पता लग गया है कि मेरे पास में सिर्फ तीन महीने बचे हैं तो क्या इस तीन महीने में कुछ ऐसा किया जा सकता है जो लोग सौ साल की जिंदगी में भी नहीं कर पाते हैं कैन आई लीव अ लेगेसी कैन ए लर्न समथिंग अबाउट लाइफ अबाउट डेथ कई बार वो जो देखने में एक कैलामिटी लग रही होती है या एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लग रही होती है या फिर ऐसा लग रहा होता है कि एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है वो ही लाइफ का एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है किसी की डेथ हो गई है कोई आपका बहुत ही नियर एंड डियर है तो समझो बेसिकली दैट मे बी अ ट्रिगर यू कैन यूज इट एज अ ट्रिगर टू अंडरस्टैंड द डीपर रियालिटीज ऑफ लाइफ वो एक कर्स भी हो सकता है और एक बूंद भी हो सकता, भी सकता है डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू आर लुकिंग एट इट हाउ यू आर यूजिंग एट दैट सिचुएशन तो ये तो हो गया एक एस्पेक्ट yeah. जिसको हमने टच किया yeah. पूरा का पूरा जो है कि कोई प्रॉब्लम चल, चल रही चल है चल तो रही। उसके सोल्यूशन पे फोकस करना दैट इज वन टू जो आपने कहा कि भाई लाइफ बोरिंग हो गई है इसको इस तरीके से देख सकते हो कि एक जानवर की लाइफ का पर्पस क्या है तो उनको बस पेड़ भरा रहा है इट और वो लोग जीते रहते हैं एक एक बर्ड है तो उसकी लाइफ का पर्पस क्या है उड़ती रहेगी खाएगी पिएगी अपने घोंसला बनाएगी वहां पे कुछ बच्चे देगी उन बच्चों का ध्यान रखेगी उनकी केयर करेगी उनको भी खिलाएगी पिलाएगी वट बट मान लो कि उस बर्ड को उस पंछी को किसी ने कैद कर दिया एक पिंजरे में हुँ. अब आप क्या कहोगे कि उसकी लाइफ का जो पर्पस है वो अचीव हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है नहीं हो पा रहा सर नहीं हो पा रहा क्यों क्योंकि जिस चीज़ के लिए वो बनी है वो नहीं कर पा रही वो नहीं कर पा रही उसको कैद कर दिया गया है उसका बेसिक नेचर है

जिसमें आप कैद हो तो आपकी लाइफ का पर्पस क्या हो गया उस वक्त मनी। अगर फाइनेंशियली आप फ्री free नहीं हो फाइनेंशियली आप नहीं हो, तो आपकी लाइफ का एक ही पर्पस है, freedom freedom नहीं तो क्या होगा अचीव कर भी लिया तो ग्रीड oh. आपको फंसा देगी yes. तो ये कोई ग्रीड नहीं है पहले अपना सर्वाइवल इंश्योर्ड करो एक वो हो गया ये है आपकी लाइफ का पर्पस मतलब आप कह सकते हो टाइम के साथ साथ या डिपेंडिंग अपॉन आप किस स्टेज में हो लाइफ की आपका पर्पस चेंज होता change है चेंज होता है तो बहुत लोग ऐसा भी मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं हाउ टू फाइंड द पर्पस ऑफ लाइफ व्हाट डू यू मीन बाय दैट वो तो हर स्टेज पर हर स्टेज पर्पस है तो इट वाज लाइक बोर्ड्स 12th में समथिंग एल्स जब ग्रेजुएट हो रहे थे तो डिग्री देन जॉब तो हर स्टेज में लाइफ में चेंज होता रहता है राइट right. आप स्कूल में हो तो आपका पर्पस कुछ, कुछ हो और है कॉलेज में हो तो कुछ और है और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे हो तो कुछ और है पीएचडी कर रहे हो तो कुछ और है right. उसके बाद में जॉब कर रहे हो तो कुछ और है तो पर्पस टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन योर स्टेज ऑफ एवोल्यूशन आप जानवर हो तो आपका पर्पज कुछ और है इंसान हो तो कुछ और है तो अब हमने बात करी कैद की कैद कौन हो जाता है मान लो आपकी जरूरत है बीस रुपए महीने की और आप कमा रहे हो पंद्रह रुपए महीना तो अब आप कैद हो गए कहां कैद हो गए अपनी जरूरतों में ही कैद हो गए अभी तो कंफर्ट की और डिजायर की तो बात ही नहीं हो रही लग्जरी की, तो की तो बात ही नहीं हो रही आप भाग रहे हो सुबह से लेकर के रात तक लेकिन आपके पास में इतना भी नहीं आ रहा है कि आप अपनी जरूरतें पूरी कर सको सर तो सर एक तो हो गया इसका सही मनी तो अब आपका पर्पस क्या है इस पॉइंट पे लाइफ में कि कि सिंपल सिंपल आप कहते हो यार मैं फाइनेंशियली तो फ्री हो गया Hmm. मेरी लाइफ का ये पर्पस अचीव हो गया hmm. मेरे पास में पैसा है मेरे पास में बैंक बैलेंस भी है मैंने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस भी कराई हुई है मैंने अपनी लाइफ इंश्योरेंस भी कराई हुई है मेरे को कुछ हो गया तो मेरी फैमिली को पैसा मिल जाएगा ये वो वटेवर ऐसे करके आपने इंटेलिजेंटली अपनी लाइफ को फाइनेंशियली प्लान कर लिया है okay. अब आपकी लाइफ का पर्पस क्या है क्योंकि एक्चुअल में लाइफ में कोई मीनिंग नहीं है दैट इज द हार्श दिटी ऑफ लाइफ मीनिंग हम खुद क्रिएट करते हैं हम लोग खुद अपने पर्पस फेज और अपने लाइक नेचर के हिसाब से खुद डिफाइन करते हैं अपने अपने लिए अपनी कहानी है जो मर्जी बना लो झूठी है सच्ची उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो पर्पस इज व्हाट मीनिंग इज व्हाट आपकी अपनी कहानी है कुछ ऐसा जो बिल्कुल ही मीनिंगलेस है उसको भी आप मीनिंगफुल बना सकते हो और कुछ ऐसा जो एक्चुअल में मीनिंगफुल है उसको भी मीनिंग उसको तो भी आप मीनिंगलेस बना सकते हो अपने माइंड में ये तो कुछ है ही नहीं तो अब क्या होता है कि जब आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हो एक्चुअल में तब आपकी लाइफ में से पर्पस निकल गया वो क्या है सर्वाइवल सर्वाइवल माय सर्वाइवल माय फैमिली सर्वाइवल ये सब आपने इंश्योर कर दिया इसको सबको सिक्योर कर दिया okay. अब क्या करोगे अब तो खाली हो गए समझी प्रॉब्लम अब एक्चुअल में प्रॉब्लम शुरू होगी अब कम्फर्ट कोई प्रॉब्लम नहीं थी कंफर्ट जोन और बाकी फॉर अभी जब तक आपका पेट नहीं भरा था यूर पर्पस क्लियर था कि भाई मुझे भूख लगी है मुझे खाना चाहिए मुझे प्यास लगी है मुझे पानी, पानी चाहिए मेरे को रहने के लिए घर चाहिए अब ये बेसिक जो लाइफ के पर्पस होते हैं ये आपने अचीव कर लिए बहुत कम लोग इस लेवल तक तो पहुंच पाते हैं क्योंकि तो ज्यादातर क्या होता है जैसे जैसे आदमी की कमाई बढ़ती है वो उस हिसाब से अपने खर्चे बढ़ाता चला जाता है तो कमाई कितनी भी बढ़ जाए खर्चे और ज्यादा हो जाते हैं तो और लोन ले लेता है ये ले लेता है वो ले लेता है तो फंस जाता है ट्रैप में जा करके दुनिया की नज़र में वो अमीर होता है लेकिन अंदर से एक्चुअल में गरीब होता है अमीर की डेफिनेशन क्या है और गरीब की क्या है अमीर वो जिसकी कमाई बहुत ज्यादा खर्चे बहुत कम और गरीब कौन जिसके खर्चे बहुत ज्यादा कमाई खर्चों से कम वो गरीब चाहे आपकी कमाई है एक करोड़ लेकिन अगर खर्चे हैं दो करोड़ दो करोड़ तो आप गरीब हो? गरीब हो सिंपल बहुत कम लोग होते हैं जो एक्चुअल में अमीर हो पाते हैं यानी फाइनेंशियली फ्री, फ्री, हो, फ्री पाते हो, पाते हो पाते हैं है। यानी इस लेवल तक पहुंच पाते हैं कि जहां पर उनको पैसे के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है यानी एक्चुअल में जो पर्पस था एट अ बायोलॉजिकल लेवल या एट अलॉजिकल लेवल अचीव हो गया अब क्या करें नाउ देर इज नो पर्पस इन लाइफ नाउ देर इज नो मीनिंग इन लाइफ तो बोलो क्या करते हैं इंडल जो जाते हैं प्लेजेस खाओ पियो मस्त रहो पार्टी करो पार्टी करो बट ये कोई सोल्यूशन नहीं है क्योंकि वो फंसा देता है कुछ ही टाइम में वो फंस जाते हैं right. क्यों फंस जाते हैं हेल्थ वाइज प्रॉब्लम आने लग जाती हैं प्लेजेस में आप इंडल जाओगे गे तो फंसोगे लाइफ मीनिंगलेस हो जाती है शो ऑफ करने लग जाते हैं अंदर से खोखले हैं बाहर से दिखा, दिखा रहे, हैं। रहे हैं नाम के पीछे भागने लग जाते हैं दिखाने के लिए बार बार से एक्चुअल में दे डोंट केयर अबाउट द अदर पर्सन बट दिखाने के लिए कि अच्छा मैं इतना पैसा दूंगा डोनेशन के नाम पे मेरा कहाँ पे नाम आएगा स्वर्ण अक्षरों में मेरा नाम लिखा जाएगा ले भाई <laughs> तू तो एक लाख रुपए ले ले मतलब शर्त है वहां पर भी चैरिटी नहीं है एक्चुअल में कोई सेवा नहीं है कोई सर्विस नहीं है ये नहीं है कि किसी का भला हो जाए ना जी अपना आउट ऑफ फेम पास नाम चाहिए अब वो नाम के पीछे भाग रहे हैं पावर के पीछे भाग रहे हैं पावर पावर चाहिए और पैसे की भूख बट ये सब आदमी को अंदर से और खोखला करती चली जाती है आप देखते ही देखते जानवरों के भी लेवल से नीचे गिर जाओगे अब वो लेवल क्या है जानवर एटलीस्ट अपनी भूख के लिए शिकार करते हैं राइट right. जब उनका पेट भर जाता है तो रुक तो जाता है रुक जाता है आदमी अपनी ग्रीड के लिए शिकार करता है अपने लालच के लिए शिकार और उसका कोई एंड नहीं है आप ये कह सकते हो एक तरह का वॉइड है तो प्लेजर्स जाओ। या तो प्लेजर्स के थ्रू इसको आप भर सकते हो या नेम के थ्रू पावर के थ्रू फेम के थ्रू डेजिग्नेशन के थ्रू किसी भी तरीके से पोजिशन के थ्रू एक्नोलेजमेंट के थ्रू किसी भी तरीके से आप या तो इसको भरने की कोशिश करते रहो बट दिस इज लाइक अ पिट ये भरता ही, नहीं। भरता ही नहीं जितना भी भर दो खाली का खाली रहता है अब आपने देखा कि ये तो एक दूसरा पिंजरा है साइकोलॉजिकल लेवल पे मतलब मैं चाहे कितना भी कर लू मैं फंसा हुआ हूं right. वो पिंजरा कहां है यहां है अंदर ही है दिखता नहीं है जैसे पैसे की कमी की वजह से जो प्रॉब्लम होती हो, दिख जाती दिख जाती है, है राइट। वो तो अंदर है, वो कर रहा होता है जो सिचुएशन में है। है। इसीलिए आप देखोगे जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जितने भी वो डेवलप कंट्रीज में बहुत ज्यादा है डेवलपिंग में इतने नहीं है, नहीं है। क्यों क्योंकि डेवलपिंग में फिर भी लोगों के पास में क्लियर कट पर्पस है एक क्लियर कट मीनिंग है लाइफ में राइट वो क्या है पैसा कमाओ नहीं तो भूखे मर जाएंगे जहाँ पे ऐसा हो चुका है जहां पे अचीव हो चुका है उनको ये डर नहीं है कि भूखे मर जाएंगे उनका भी ये डर है कि अब क्या? नहीं उनके है कोई ही नहीं है, कुछ नहीं है अब ये रियलिटी उनके सामने बैठ करके उनको देख रही है अब क्या करें? अब या तो अगर आप बेवकूफ हो तो किसी भी तरीके से पावर पोजीशन ये वो पैसे के पीछे भागते रहोगे एंडलेसली जिसका कोई अंत नहीं, अंतर नहीं endless. तो आप क्या हो? बेवकूफ हो आप जानवरों से भी नीचे के लेवल पे हो? या फिर आप क्या करोगे? आप 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 क्या मतलब अब आप बैठ करके बाहर नहीं भाग रहे दुनिया में क्योंकि तो आपको समझ आ गया है यू आर इंटेलिजेंट इनफ कि उसका कोई अंत नहीं तो अब आप क्या करा आपने पूरे धरती का एक चक्कर लगा करके वापस आप अपने पास आ गए खुद से ही ये जर्नी शुरू हुई थी क्योंकि yes. तो नीड से ये जर्नी शुरू हुई थी right. ये जर्नी ग्रीड तक गई आपने ग्रीड को भी पूरा करके देखा आपको समझ आ गया इसका कोई अंत नहीं अंत नहीं है। फिर आप, आप अपने पास आ गए आपने कहा कौन है ये जो ग्रीडी है कौन है ये जो दुखी है देखता हूं एक बार उसको इसको बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी बहुत लोग स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही नहीं समझते हैं बातें करते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में बट दे डोंट हैव एनी क्लू अबाउट व्हाट रियल स्पिरिचुअलिटी इज इट्स लाइक कमिंग बैक टू योर बहुत लोग स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये समझते हैं वाई आर वी अफ इसका कोई आंसर नहीं है यू आर स्पिरिचुअलिटी इज वॉट इज लाइफ स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट वाई और हाउ आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना जो सो कॉल्ड गुरुज हैं मार्केट में वो इन्हीं दो एस्पेक्ट्स पे फोकस करेंगे Why or how? How? दोनों का रियल स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना नहीं है okay. हाउ मतलब क्या कि आप दुखी हो अब आप मेरे पास में आए मैंने आपको एक टेक्निक दे दी hmm. मैंने कहा मेरा कोर्स है ये ज्वाइन कर लो hmm. आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी ये कर लो वो कर लो वो कर लो यहां आ जाओ वहां आ जाओ यहां चले जाओ यहां चले जाओ हाउ काज गट नीचु रियल स्पिरिचुअलिटी

देखो वो आइडियाज वो concepts, वो किस तरह इशारा कर रहे हैं उसकी रियालिटी क्या है उसको देख लो ना जैसे एक है इसके बारे में इस कप के बारे में जो भी कुछ इसके अंदर है उसके बारे में लिखा हुआ है उसको आप कह सकते हो वेद हो गया उपनिषद हो गया एक है इसके अंदर जो कंटेंट है उसको पी करके देखो ना चखो उसको मतलब एक्चुअल में देखो वो क्या है एक्सपीरियंस करो इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद हाउ बिकॉज देर इज नो How कहां पे काम आता है दुनिया में काम आता है आपको पैसा कैसे कमाना है उसका कोई, कोई पाथ ही पात नहीं, नहीं, है नहीं है क्योंकि आप खुद से कितना दूर हो आप खुद से एक सेंटीमीटर भी दूर नहीं हो तो उसका पाथ कैसे हो सकता है यू आर जस्ट देर You are, there, you are here, हियर are नाउ तो देखो ना खुद को पूछो ये क्वेश्चन फिर इंसान कंटेम्पलेट करता है चीजों को वो हाउ से निकलता है पहले तो हाउ में जाकर के कहीं ना कहीं फंसता है क्योंकि तो तो में 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 yeah. तो एक बच्चे को क्या अच्छा लगता है कहानियां कहानियां मेरिकल्स चमत्कारों की कोई बातें करते चले जाए सुनने में बड़ी अच्छी लगती है ये अच्छा, भी होता है वो भी होता है

It's not about why. It's not about how. It it's about, about what. What is life? What is death? What is the self? What is God? What is heaven? What is hell? kya wo koi कहीं hai ya hamare andar hi hai What is mind? Not how to control your mind. वो ठीक है वो initial stages के लिए वो steps है. होते हैं sir एक temporary solution जैसे है. मेरा भी एक session है how to control your mind वो किसके लिए है वो जो भी बहुत लेवल पे प्राइमरी स्टेज में है उनको भी जरूरी है ना कि कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन उनको मिले कि उनका माइंड पजल्ड है तो एक हो गया एक टेम्पररी सोल्यूशन right. कि भाई अपने माइंड को कंट्रोल कैसे करना है अच्छा ऐसे करना है बुद्धि से आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हो right. यानी कि जो बेसिक इंपल्सिस आपके अंदर उठती रहती है फीलिंग्स है इमोशन है. है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो अपनी बुद्धि से तो अपनी बुद्धि को यूज करो बट दिस इज ऑल अबाउट हाउ बट इसका रियल स्पिरिचुअलिटी से कोई कनेक्शन नहीं है जी नहीं रियल स्पिरिचुअलिटी इज वॉट वॉट इज माइंड What is thought? Again, what? Thought. Not के, मुझे ऐसे थॉट क्यों आते हैं मुझे बहुत नेगेटिव थॉट आते हैं और सारे क्वेश्चन यही होते हैं मेजोरिटी ऑफ लोग यही क्वेश्चन पूछते हैं मेरे से भी या कहीं भी किसी से भी पूछते हैं यही क्वेश्चन पूछते हैं How अब जो है? question उसी का जवाब दिया जाएगा नाइट बट इफ यूट टू नो वट इज रियल स्परिचुअलिटी दैट इज वॉट नहीं तो स्पिरिचुअलिटी भी बेसिकली एक तरीके से उस वैक्यूम को भरने का एक तरीका बन जाता है तो देखो हम तो इस आश्रम से जुड़े हुए हैं हम इस गुरु से जुड़े हुए हैं अरे हम बहुत स्पिरिचुअल हैं हम ये करते हैं हम वो करते हैं मैं ये मैं वो पहले मैं स्पिरिचुअल नहीं था अब मैं स्पिरिचुअल हो गया देखो मैं अच्छा इंसान हूं तुम बुरे इंसान हो तुम भी स्पिरिचुअलिटी क्यों नहीं फॉलो करते तुम भी मेडिटेशन क्यों नहीं करते फिर हम थोपेंगे सामने वाले के ऊपर ट्रैप बन जाता है सर बहुत बहुत एक चारों तरफ ट्रैप्स ट्रैप्स ही सीधी बात करने वाला तो कोई है ही नहीं दुनिया में करोड़ों में कोई एक आध बंदा मिलेगा जो सीधी बात करेगा बाकी सब घुमा फिरा के करेंगे और आपको घुमा फिरा के वहीं ले आएंगे जो उनका मोटिव है वो नहीं जो आपके लिए अच्छा है क्योंकि मैंने क्या कहा था थोड़ी देर पहले याद है आपको yes, sir. कि कोई भी ऐसा इंसान जिसका डिजायर वो है तो आपको यूज करेगा उस डिजायर को पूरा जिसके के के अंदर कोई भी डिजायर है किसी भी तरह का कोई भी डिजायर है वो आपको यूज करेगा अपने उस डिजायर को पूरा करने के लिए ही इज नॉट कंसर्न अबाउट यू और यूर सफरिंग अब थोड़ा सा हमारे पास में टाइम रह गया है पाँच मिनट में मैं एक कहानी सुनाता हूँ आपको शायद okay. मे भी उससे ये हम समअप कर सकते हैं ये okay. जो हमारी कॉन्वर्सेशन है ना yes. इसको हम वहाँ पर समअप कर सकते हैं एक बार क्या होता है कि एक राज्य होता है बहुत बड़ा वहाँ का जो राजा होता है उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी जो बेटी होती है उसके हाथ में वो पूरा राज्य आ जाता है तो जो मंत्री होते हैं और लोग होते हैं वो बोलते हैं कि भाई कोई ना कोई आपके साथ में होना चाहिए जो मिल कर के पूरे राज्य को चलाएँ तो वो डिक्लेयर कर देती है पूरे राज्य में कि मैं शादी करना चाहती हूं और मैं किसी राजा से शादी नहीं करूंगी मैं किसी से भी शादी करूंगी बस वो इंसान ऐसा होना चाहिए हो। हो। कंडीशन होती है लोगों की भीड़ लग जाती है हजारों लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं और सब लोग तरह तरह की नौटंकी कर रहे होते हैं है, बट उनको क्या चाहिए होता है राज

कोई आया किसी के कंधे पे बैठ करके आ गया कि मैं तो इतना आलसी हूं मैं चलता भी नहीं हूं दिखाना है ना कि मैं लेजी हूं कोई आया वहां पे आकर के सो गया उसको आकर के कोई कह रहा है कुछ खा लो पी लो ना खा रहा है ना पी रहा है मैं इतना आलसी हूं मैं आलसी हूं कौन खाएगा कौन पिएगा कोई आया उससे कोई सवाल पूछ रहा है कुछ बोल ही नहीं रहा है अब कौन जवाब कौन जवाब मतलब हर कोई अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि मैं सबसे बड़ा आलसी हूं क्यों क्योंकि उसका इंटरेस्ट इसमें है राज में है एक्चुअल में तो आलसी है ही नहीं अब hmm. वहां पर एक आदमी आया उसने सारी नौटंकी होते हुए देखी वो सीधा रानी के पास में गया और बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं hmm. वो बोली लेकिन इसमें आलस कहां है hmm. कहता कि मैं इतना बड़ा आलसी हूं कि मेरे से ये सब नौटंकी नहीं होती है मैं सीधी बात करता हूं जो आत्मज्ञानी होता है यानी सेल्फ रियलाइज कोई इंसान होता है उसके लिए एक वर्ड यूज किया गया आलसी शिरोमणि मतलब सबसे बड़ा आलसी इसका मतलब लोगों ने कुछ ने क्या निकाल लिया सब छोड़ छाड़ दो और कहीं पर जा करके बैठ जाओ ये नहीं है सबसे बड़ा आलसी वो है 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 जो जो सीधी सीधी बात बात करता करता कोई घुमा फिरा करके नहीं टू द पॉइंट क्योंकि उसको आपसे कुछ चाहिए ही नहीं है तो ये जो हमने बात करी लाइफ का मीनिंग क्या है एक तो है इसका मैं आपको घुमा फिरा करके आंसर दू एक है बिल्कुल सीधा सीधा आंसर कि पहले आपकी लाइफ का पर्पस है अपनी जो नीड्स है उसको पूरा करो यस फाइनेंशियल फ्रीडम पहले फाइनेंशियली फाइनेंशियली सिक्योर हो जाओ फिर फ्री हो जाओ फ्री मतलब क्या आपको पैसे की टेंशन Tension नहीं फिर उस वक्त क्या मीनिंग होना चाहिए लाइफ में क्वेश्चन करो वो एम आई वहां से ये जो वर्ड्स हैं जो लोग यूज करते हैं बहुत ही कॉमन वर्ड्स है लव कम्पैशन उसके बाद उस सब की शुरुआत होगी लव मतलब वननेस तब आप एक्चुअल में इस यूनिवर्स के साथ में जुड़ोगे लोगों के साथ में जुड़ोगे और फिर आप जो भी करोगे दैट कैन बी कॉल्ड एज एन एक्सप्रेशन ऑफ लव यही लाइफ की हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है फिर ये जो साइकोलॉजिकल पिंजरा है जिसमें आप कैद हो उसके सच को आप देख लोगे और फिर आप फ्री हो आप आज़ाद हो फिर कह सकते हैं कि जो ह्यूमन होने का जो हाईएस्ट पोटेंशियल है वो आपने अचीव कर लिया है